तो नमस्कार भैया, देखो आज के वीडियो में हम पोको C3 चार्जिंग पिन चेंज करके दिखा रहे हैं। हमारा नाम है भैया रामचरण और आप देखा तो आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करके घंटी ख्वाल पे सेलेक्ट जरूर करियो भैया। तो देखो जो पीछे को जो कंपनी से लग के आउट है या गोंद टाइप की, तो इको हटा के और बिल्कुल आसान ट्रैक रथ है भैया। और देखो अपनी चार्जिंग पिन निकल गई। अब भैया अपन को ये चार पॉइंट हैं जो छेद ये साफ करने हैं। तो देखो आप बिल्कुल आसान तरीका से कोनों भी कॉपर को वायर लेके कॉपर के वायर से आप साफ कर सकत हो, ये छेद खोल सकत हो। तो ऐसे आप एक कॉपर के वायर से ये चार छेद खोल सकत हो और खोल के भैया बिल्कुल साफ करके और क्लीन करके और थोड़ा सा पेस्ट लगा के भैया और चार्जिंग जैक जैसे ही आप रखो तो आप बने रहो वीडियो में। देखो हम कैसो कर रहे हैं कैसो नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखियो। और बिल्कुल आसान ट्रक रथ है चार्जिंग पिन चेंज करवे की, और कोनो भी मोबाइल हुए भैया बिल्कुल सेम टू सेम तरीका रथ है चार्जिंग पिन चेंज करवे को। तो देखो अपन ने साफ करके और चार्जिंग पिन लगाई और बस चार ही पॉइंट जे सोल्ड कर दो, और जो पीछे के मेन पॉइंट है पांच बे आसानी से आप सोल्ड कर सकते हो, देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीका से। देखो सोल्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा लो जिससे भैया अपना सोल्डर वायर आपस में टच नहीं होते, अलग अलग रब आउट है। तो देखो बिल्कुल आसान तरीका से बदलिए अपनी चार्जिंग जैक, चार्जिंग पिन, चार्जिंग कनेक्टर जो भी आपका हो भैया। तो देखो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं पॉइंट और साफ करके बस आप की पिन चेंज हो गई है। अब भैया मीटर में चार्जिंग पिन लगा के और मीटर से चेक करके आपको दिखा रहे हैं। देखो इको वोल्टेज आ रहा है कनेक्टर तक कि नहीं आ रहा है, तो आप बने रहो वीडियो में भैया। वीडियो को लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लियो भैया। और भैया लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करत हो तो सब्सक्राइब कर सकत हो और ऐसे वीडियो देख सकत हो तो देख सकत हो। मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे वोल्टेज आ गओ। तो भैया फिर मिलते हैं, राम राम।